इन सबको म्यूट किया हुआ है। सर यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से, हाँ बीच में। जो अपना बैनर दिखते ना, दिख रहा है बैनर, दिख रहा है? दिख रहा है? दीप इसकी फोटो भी खींचना है, जब बोलेंगे ना इसकी फोटो अपने एनसीसी के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं नहीं फोटो की अच्छे नहीं आते, जैसे ले रहे हैं हाँ हाँ ऐसा तो दो तीन तो एनसीसी में आगे जाने अच्छा जी आगे देखें तो ये आप ले दीपाली कुंडल इसको ये दीपाली का म्यूट करो। यही है ना बस इतनी ये मैंने क्वेश्चन आपको भेजे सर। नहीं इस पे व्हाट्सएप है यार, कोई विशेष नहीं है लेकिन उनके लिए ये प्रॉब्लम आती है। कहते हैं ना देखिए इनके मैं अभी हाँ मैं अभी यही बताऊंगा आपको यानी स्टार्टिंग में कि इनकी भूमिका बड़ी अलग अलग होती है। ये रिप्रेजेंटेटिव आरसीएस के तो रहते हैं, जिले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो जिले में बींग ये बंद है, जिले में बींग हेड भी हो सकते हैं। अगर डीआर नहीं कहीं छोटे जिले तो वहाँ एआर को इनने कर दिया तो पूरे जिले का हेड हो गया।
अब वहाँ की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, ठीक है, प्राइमरीज का जनरली कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर या ऑडिट ऑफिसर होता है, वो ऑडिट रिपोर्ट लाते हैं और ये ओके करके उसको पास करते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई पास करना ये इनका फर्ज है, एक तो वो हो गया। तो ऑडिट नोट जब हमारे पास, ये ऑडिट रिपोर्ट जो आती है, ऑडिट आई थिंक ऑडिट रिपोर्ट क्या, बंच ऑफ ऑडिट नोट्स, एम आई राइट ना, है ना, क्योंकि एक 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 जो ऑडिट आपने लिखे हैं, टिप्स जो लिए हैं, वो इकट्ठा कर, हाँ वो नहीं, डिपार्टमेंट ही करता है। पहले क्या होता था कि डिपार्टमेंट के ही ऑडिटर ऑडिट करते थे, लेकिन फिर बहुत सारी दिक्कतें आई, फिर सीए का इंटरफेरेंस आया, क्वालिटी ऑडिट की बात आई, तो ये सब आया कि नहीं भाई ठीक है। और संस्थाओं से भी शिकायतें आई कि भाई डिपार्टमेंट का जो ऑडिट आता है वो बहुत सारी सब होता है और हमको परेशान करते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने पहल की कि ठीक है, या तो यानी बोर्ड को पावर दे दिए, या तो आप डिपार्टमेंट से करवाएं या इंडिपेंडेंट सीए से करवाएं। तो वहाँ से सीए की एंट्री शुरू हुई। तो हम इन लोगों को डराते हैं कि सही काम करो, नहीं तो बाहर वाला व्यक्ति आके आपका पूरा धंधा ले जाएगा, क्योंकि ये जब हम करते हैं तो फीस तो इनको जानी चाहिए और दुनिया भर उल्टे सीधे ऑडिट नोट पास कर देते हैं। तो एक तो भूमिका ये हुई ये ऑडिट नोट पास करने की, दूसरी है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी काम करते हैं। कोई सरकारी संस्था भंग हो गई, बोर्ड डिसॉल्व हो गया, ठीक है, तो हमारा या तो सीआई कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है, वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता एक प्राइमरी यूनिट में, या जैसे बैंक के वगैरह हैं तो वहाँ पे ये लोग क्या एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बन जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में फिर मैनेजमेंट के पूरे पावर हमारे पास हैं, ऑडिट करवाना ये हमारा काम, फिर जस्ट अपोजिट भूमिका आएगी, ठीक है ना। तो एक ही होगी, हाँ वो अलग अलग भूमिका हो जाती। तीसरी एक महत्वपूर्ण और है चीज़ है, जिले में या अपेक्स लेवल पे भी, ये सेम डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पे भी है। अब स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो बोर्ड होता है हर सरकारी संस्था का, तो बोर्ड में इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं और नॉमिनेट भी होते हैं, गवर्नमेंट के नॉमिनी भी होते हैं। तो गवर्नमेंट के नॉमिनी कौन होते हैं, डिपार्टमेंटल ऑफिसर होते हैं। तो बीइंग बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में जब हमारी भूमिका एजीएम के पहले या जब भी ऑडिट नोट आता है, ऑडिट रिपोर्ट रखी जाती है, तो हमें क्या कर देखना है। तो तीन भूमिकाएं होगी ना आपकी अलग, ये हाँ ये तीन इनकी भूमिका, ये मैं अभी बताऊंगा इनको ब्रीफ कर। नहीं, थोड़ा प्यास बनी रहे, सब बता दिया तो आगे फिर ये कुछ नहीं, और कई बड़े स्मार्ट हैं, देख रहे थोड़ा चाहो इनको खींचना पड़े। हाँ नहीं अच्छा मजा आता, मैं बोलूंगा अभी कितना बज रहा सर, स्टार्ट करेंगे हम, नहीं अभी 5:11:26 हुआ है अभी, तो अभी कितने लोग ज्वाइन हुए, 10 हो गए। पटेल को आता है कि पटेल पटेल आप भी यहीं रहो, थोड़ा आपको भी आता है ना ये सब चीज़, थोड़ा सर की हेल्प करना, मात्र तुम इधर आ जाओ। ये क्या बड़वानी कोऑपरेटिव, अच्छा बड़वानी, तो बड़वानी एड कर लिया, और बताओ। अच्छा सब म्यूट हैं, नहीं ज्योति कुंभारे नहीं है और अभय सिंह नहीं है, इनको अभय सिंह कहाँ है, ये मैं बोलूँगा फिर उसके बाद अपने जया के साथ। कितने हो गए, 12-15 हो जाए फिर करते हैं। उन्नीस रजिस्टर्ड ये मेरा है ना, ये भी आ गया, छवि वाज मेरे बस 11:30, ठीक है
28 दो मिनट हो रहे हैं। इसको म्यूट वाला करिए, म्यूट वाला। अभी 15 लोग हुए, फिर शुरू कर देते हैं। आप एड्रेस तो 16 हो गए, पहले इनको बताना पड़ेगा। सर करें स्टार्ट, करते हैं, टाइम भी हो गया, एक मिनट और। स्टार्ट कर। हेलो अबे। जी सर, ठीक हो? हाँ बढ़िया। ओके इनका म्यूट, म्यूट चलो मैं स्टार्ट कर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं समझता हूँ मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही होगी, और इस आईसीएम के सहायता विभाग के लिए पहले वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेबिनार के कुछ नियम होते हैं, पहले मैं आपको बता दूँ। सर्वप्रथम आपके उसमें म्यूट का ऑप्शन है, देखिए कि स्पीकर बना हुआ है, तो पहले आप अपने स्पीकर को म्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज़ बीच में नहीं आएगी, और जो भी आप पे स्पीकर आपको बता रहा है उसकी आवाज़ क्लियर आएगी, नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस आएगा सभी को। तो वर्ष मैं बता देता हूँ किसने नहीं किया। वर्षा श्रीवास, आपने भी म्यूट नहीं किया है, आप कर लें, और नहीं तो फिर हम यहाँ से कर देते हैं। आप म्यूट कर लें अपने स्पीकर को। राइट, वर्षा ने अभी, चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है, सब हो गया। दूसरी चीज है, जब भी आपको क्वेश्चंस करना है तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे हमारी क्लासरूम की ट्रेनिंग में होता है कि बीच में आप कहते हैं सर मेरे एक डाउट है, आप क्लियर करें। वेबिनार में बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपके राइट हैंड साइड में एक चैट बॉक्स है, आप देखिए, तो चैट बॉक्स में जो भी आपको हम पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं या आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई कहना है, आप उसमें टाइप करके हमको सेंड कर दें। तो जैसे ही हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म होने में आएगा, जितने भी क्वेश्चंस या आपकी क्वेरीज हैं, फिर हम वन बाय वन लेंगे, बजाय कि बीच में हम इसको रोक के। तो ये आप थोड़ा बस दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो मैं समझता हूँ वेबिनार में काफ़ी आप लोगों को मज़ा आएगा, और जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें हम सफल रहेंगे।
मैं इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि के बारे में बता दूं कि आरसीएस जो होते हैं मध्य प्रदेश के, वो हमारे कैलेंडर ऑफ प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होते हैं, और जनरली मार्च में हमारी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। तात्कालिक आरसीएस आदरणीय अग्रवाल साहब ने हमसे निवेदन किया था, एक एडवाइस रखी थी कि हमारे मैदानी जो ऑफिसर्स हैं ऑडिट नोट में उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं और कई क्लियरिटी नहीं है, तो आप महीने में एक से दो प्रोग्राम ऑडिट नोट के ऊपर रखें। हाउ टू रीड द ऑडिट नोट, ऑडिट नोट क्या होता है, इनको हम कैसे समझे, कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि ये टेक्निकल होता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। हम लोग जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सिलेक्ट होके आते हैं, लेकिन हर कोई ऑडिट और अकाउंट्स में मास्टर नहीं होता है, और कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं हमको ऑडिट नोट पास करना होता है और जाने अनजाने में हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, जिससे हमारी और साथ में संस्था की छवि पे भी असर होता है। तो क्यों ना हमारे जो नए अधिकारी हैं या जो पुराने भी हैं जिनको कुछ क्लियरिटी चाहिए, तो जो ऑडिट में एक्सपर्ट हैं उनका आप पैनल बना लें या उनको बुलाएं, और दो दो घंटे के आप एक वेबिनार टाइप के रखें और उनको क्लियरिटी दें। तो ये पहला वेबिनार इसी उद्देश्य को लेके यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि विभाग का आप नुमाइंदे हैं और जिला स्तर पे मैदानी फील्ड में आप लोग काम करते हैं, आपकी भूमिका भी अलग अलग होती है। एक भूमिका आपकी होती है जब एआर या डीआर के रूप में आप लोग काम करते हैं, उस जिले के ऑडिट नोट को पास करना। दूसरी भूमिका होती है जब कोई बोर्ड सुपरसीड हो जाता है या भंग हो जाता है, तो हमारे विभाग का जो प्रतिनिधि है, रजिस्ट्रार का नुमाइंदे होते हैं, वो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करते हैं, तो वहाँ हमारी भूमिका अलग हो जाती है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जितनी भी सहकारी संस्थाएं, चाहे प्राइमरी लेवल की हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, चाहे अपेक्स लेवल की हो, हम कहीं ना कहीं बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधि के, विभाग के प्रतिनिधि के तौर पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हम बैठते हैं। तो वहाँ पे ही जब ऑडिट नोट या बैलेंस शीट वगैरह रखी जाती है, तो हमारी भूमिका क्या हो, क्योंकि हम कुछ कहते हैं इसका मतलब है, या बोर्ड कोई पास करता है इसका मतलब है पूरी विभाग की सहमति होती है। तो ये ऑडिट नोट का आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा, और आज हमारे बीच में इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए, लेक्चर देने के लिए, आपसे बात करने के लिए हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ सीए अंशुल अग्रवाल जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं, और मैं उनके बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। यहाँ पे वाइस चेयरमैन भोपाल का जो चार्टेड अकाउंटेंट का चैप्टर है उसमें वाइस चेयरमैन है। आप विजिटिंग फैकल्टी हैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, प्रशासन अकादमी, और भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, आप उसमें विजिटिंग फैकल्टी के रूप में, एक्सपर्ट के रूप में आप जाते हैं। साथ ही साथ आप एक कंसल्टेंट के रूप में अपना एक फर्म भी चलाते हैं। तो मैं आदरणीय सीए अंशुल अग्रवाल जी का भी इस कार्यक्रम में आईसीएम भोपाल की ओर से और आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज का हम कार्यक्रम आरंभ करते हैं, हमारे साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वर्तमान में मुख्यालय में ईटी सेक्शन देख रहे हैं, ज्वाइंट कमिश्नर आदरणीय श्री अभय खरे साहब, उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर दो शब्द कहें। आदरणीय अभय खरे साहब। जैसा कि आप सभी को विदित है, आईसीएम के माध्यम से आगे रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ऑडिट संबंधी एक ट्रेनिंग आयोजित की गई है, और उसमें सबसे अच्छा बिंदु ये दिया गया है कि हम ऑडिट नोट को इस तरह से समझ सकते हैं
पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रशिक्षण है, वर्तमान स्थिति देखते हुए सुविधा दी गई है। इसमें हमारे विभाग के जो 20 पार्टिसिपेंट्स हैं ऑनलाइन पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें ये अपेक्षा रहेगी कि वो टेक्निकल की बिल्कुल फ्रेशर्स के तौर पर, जैसे ऑडिट नोट में आपकी क्या क्या क्वारीज रहती हैं, वो सभी एक्सपर्ट से ऑनलाइन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डिस्कशन एंड ट्रेनिंग वो अपने जो दिमाग में प्रश्न आएंगे एक्सपर्ट से वो जरूर शेयर करें और उसका समाधान भी पूछें, ताकि उनके मन में जो ऑडिट नोट के संबंध में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं तो वो दूर हो सकें। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे विभाग में आज भूमिका बदलती रहती है, ऑडिटर की भी होती है, कई जगह प्रशासक की भी होती है, लेकिन अगर हम ऑडिट नोट पढ़ सकें किसी भी इंस्टीट्यूशन का, तो हमें एक्सपर्टाइज हासिल करते हैं, टेक्निकल नो हाउ हमारे पास रहती है कि वो इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरह की है, वर्तमान में स्थिति क्या है, कहाँ कमजोरी है, कहाँ उसकी सशक्तता है, हम उसका उपयोग वहाँ पर आगे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग बहुत उपयोगी रहेगी, मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अभय खरे साहब का, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, आप सभी को मोटिवेट किया। अब मैं आदरणीय श्री अंशुल अग्रवाल जी, जो आज के विषय के एक्सपर्ट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, कई सहकारी संस्थाओं का आप वर्तमान में ऑडिट भी कर रहे हैं और कई वर्षों का लंबा भी अनुभव है, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि हमारे विभाग के अधिकारियों को इस विषय पर आप संबोधित करें। और पुनः एक बार आप लोगों सभी से मैं ये निवेदन करूंगा कि जो भी आपको डाउट्स वगैरह हैं, आपके राइट साइड में जो चैट बॉक्स है उसमें आप टाइप करके हमको भेजते रहें, तो हम वो रिकॉर्डेड हो जाएंगे, लास्ट में हम उन सभी को वन बाय वन लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई होप मेरी आवाज़ सर क्लियरली ऑडिबल होगी, एंड मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं लास्ट में आपके चैट बॉक्स से शेयर करूंगा ये, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा, ये आप खुद से अनम्यूट होके आपके जो भी डाउट्स हैं वो वन टू वन बेसिस पे अगर अपन रखें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बिना समय व्यर्थ करे हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। लास्ट आधा घंटा हम रखेंगे नया सेशन, आज की आप लोगों का पहला सेशन ही, तो मैं अकाउंटिंग के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दूंगा, एंड सब्सिक्वेंट अगर मौका मिला या आप लोगों कोई और डाउट्स हुए तो धीरे धीरे उसको ऑडिट की तरफ और ज्यादा मूव करें। नहीं सर, ऐसे क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर। जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात करते हैं तो हमारा रोल कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे पास बेसिक लाइबिलिटीज क्या क्या होती है और हमें क्या क्या चीज़ें ऑडिट वेरीफाई करनी है, क्या क्या चीज़ सर्टिफाई करनी है, क्या क्या चीज़ ऑडिट करनी है और क्या सिस्टम को मेंटेन करके रखना है बीइंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हमें कौन कौन सी चीज़ें फर्निश करना मैंडेटरी है, पहले अपन वो देख लेते हैं। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट जो होते हैं उसको फर्निश करना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर जरूरी होता है। ये आपको सबमिट करना है 10 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। इसके अंदर आपको जो मेंटेन करनी चीज़ें वो है, सबसे पहले चीज़ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट।
पढ़ने में आ रही हाँ ठीक है जी सॉरी आपको बीच में मैं इंटरप्ट कर दिया मैंने हाँ जी हाँ जी मैं शुरू करूँ फंड रेजिंग फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये कौन कौन से ऑथराइज बोर्ड हैं ऑथराइज चैनल हैं जहाँ से फंड रेजिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की होती है सबसे पहली चीज़ आती है सब शेयर कैपिटल अगर शेयर कैपिटल के अंदर दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं एक होता है ऑथराइज कैपिटल और दूसरा होता है पेड अप कैपिटल ऑथराइज कैपिटल यानी कि वो कैपिटल जिससे ज़्यादा शेयर कैपिटल कोई भी सोसाइटी इशू नहीं कर सकती That is a maximum amount of permissible capital, जिससे कम आप या उसके बराबर amount आप raise कर सकते हो, उससे ज़्यादा पैसा खुद की cooperative society raise नहीं कर सकती। पहले share application money आता है और share application money को allotment में convert करा जाता है। Authorized capital कभी भी balance sheet में total में नहीं आएगी। जब भी आप balance sheet check करेंगे, you will make sure कि जब balance sheet का total है, उसमें authorized capital में कभी नहीं आएगी। उसके नीचे normally दो line खींची हो जाती है। इस दो लाइन का मतलब ये होता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल विल नॉट फॉर्म द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट ठीक है दैट इज द मैक्सिमम परमिसिबल कैपिटल दैट कैन बी इशू अब इसके बाद सब अगली चीज जो आती है वो आती है पेड अप कैपिटल का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 करोड़ अब 1 करोड़ तक वो अपने शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं अब कंपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको इशू करना था सिर्फ 50 लाख तो उसकी जो पेड अप कैपिटल होगी जो लोगों ने सब्सक्राइब करी है जो लोगों ने खरीदी है और जो पैसा इन्वेस्ट करा है तो 50 लाख रुपए का रहेगा बाकी का 50 लाख जो है वो रिजर्व कैपिटल है जब भी कंपनी को जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इशू होगा तब वो उसके शेयर इशू कर सकती है पेड अप कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट के टोटल हिस्सा होगा ऑथराइज कैपिटल बैलेंस शीट के टोटल हिस्सा कभी भी नहीं इसके अंदर एक और चीज़ होती है जब भी ऑथराइज कैपिटल को लिखते हैं हम लिखते हैं कि भाई वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइडेड है हर एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है यानी कि हर एक शेयर कितने में इशू करा जा सकता है उसका डिनोमिनेशन और कई बार क्या होता है कि अमाउंट जो होता है वो एक साथ ना लेके उसको दोनों में लिया जाता है
दूसरी चीज से यानी कि डिबेंचर्स बी के बाद कौन सा डाउन आता है हमारे पास अपने कम्युनिटी सोसाइटीज में ग्रैब यूनिट करते हैं या एक्सेस लेते हैं सब शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या होता है इशू सुनते हैं कब टाइम से आ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स बाय व्हाट डिफरेंस इज देयर शेयर्स का मतलब होता है कि आप एक्चुअली उस कम्युनिटी सोसाइटी के सदस्य बन गए अगर आप शेयर्स खरीदते हैं उस कम्युनिटी सोसाइटी का जो भी प्रॉफिट रहेगा उस प्रॉफिट में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट रहेगा उस डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट में आपका हिस्सा बनेगा अगर आप शेयर धारक हैं तो डिबेंचर का मतलब होता है कि आपने उस कॉपरेटिव सोसाइटी को पैसे दिए हैं तो अगर हम कॉपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो अगर कोई कॉपरेटिव सोसाइटी डिबेंचर इशू करती है उसका मतलब ये है कि उसने जिन लोगों ने डिबेंचर खरीदा है उन लोगों से कॉपरेटिव सोसाइटी ने उधार लिया है जब भी डिबेंचर इशू करा जाता है डिबेंचर का रिडेम्पशन पीरियड फिक्स होता है कि इस पैसे को आप कब वापस करना है कितने टाइम में वापस करना है क्या बेनिफिट जो है वो डिबेंचर होल्डर को पास ऑन करने डिबेंचर होल्डर को अगर बहुत आसान शब्दों में बोलूँ या बॉन्ड्स को बहुत आसान शब्दों में बोलूँ ये सिर्फ लोन है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट का कंपोनेंट रहता है जिसमें बड़ा क्लियरली रहता है कि कितने टाइम तक ये वापस करना है डिबेंचर होल्डर जो है वो कॉपरेटिव सोसाइटी के सदस्य नहीं होते ठीक है डिबेंचर बॉन्ड होल्डर जो है वो कॉपरेटिव सोसाइटी के सदस्य नहीं है लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं वो कॉपरेटिव सोसाइटी के सदस्य हैं दे आर जस्ट लाइक कॉपरेटिव सोसाइटी के सदस्य दे आर जस्ट लाइक हेलो जो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स हैं वो जब हमने इशू करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास देने के लिए सिर्फ इंटरेस्ट है ना तो वो एजीएम में पार्टिसिपेट करेंगे और ना ही वो किसी और तरीके के मीटिंग्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले दो मोड से समझ में आए कि भाई कॉपरेटिव सोसाइटी किस तरीके से फंड्स रेज कर सकता है सबसे पहला हो गया शेयर कैपिटल दूसरी चीज़ होगी हमारे डिबेंचर या बॉन्ड्स अब तीसरी चीज़ है कि अगर रजिस्ट्रार हमें परमिट कर देता है कोई और तरीके से फंड्स रेज करने के लिए या कि क्रेडिटर्स अमाउंट करने के लिए या पब्लिक डिपॉजिट्स लेने के लिए बहुत सारी जो क्लब क्लब्स सॉरी बहुत सारी जो क्रेडिटी सोसाइटीज होती है उनको अलग अलग तरीके से क्रेडिटर्स अमाउंटिंग स्कीम वगैरह लॉन्च हो जाती है किसी और मोड से अगर रजिस्ट्रार ने हमें परमिट करा हुआ है स्पेशल परमिशन दी हुई है तो उस तरीके से भी फंड्स रेज किए जा सकते हैं बट दिस इज एन एक्सेप्शन केस तो नॉर्मली जो की फंड्स होते हैं उनको इतना रेज Either it's possible to share them with others, that is the normal dimensions. How come आते हैं technical aspects with them. बहुत सारी जगह जब हम audit करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो key persons हैं जो management हैं वो normally ना audit में बहुत ज़्यादा interest नहीं लेते interest क्यों नहीं लेते हमारे साहब ये जो काम जो है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ ये जो काम जो है वो जो cashier का है स्टाफ की कमी हर जगह बहुत मैक्सिमम जगह पर स्टाफ की कमी समझ रहे हैं नॉर्मली क्या होता है कैशियर है वो ये कमी हालांकि हमारे पर्सपेक्टिव में दोनों चीज़ें गलत है कैशियर को कभी भी अकाउंट का दुकान नहीं होना चाहिए बट एनी तो वो बड़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं वो ये सोचते हैं कि सर ये जो काम है ये कैशियर का है ये जो काम है ये अकाउंटेंट का है और उसके बाद जो उसका काम है वो ऑडिटर का है या चार्टर्ड अकाउंटेंट का है तो इसमें जब मैनेज अगर मैनेजमेंट पार्ट की तरफ से डिस्कस करते हैं हमारा क्या दिन यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात क्योंकि अभी कुछ जगह पर हमने ऑडिट करा जहाँ पे हमने पाया कि बहुत बड़े बड़े सीनियर जो है वो गड़बड़ियाँ थी उसके अंदर बीच से गड़बड़ियाँ थी इनकॉर्पोरेशन ऑफ लोग प्रॉपर नहीं था और जहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स लेवल पर भी हमने टारगेट बनाया कि नहीं भाई दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो था वो इसमें टेक केयर करना था आपको कैश ऑफ कितनी उसको टैली करना था पर क्योंकि आप पैसा नहीं करो तो यू विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट जबकि अगर आप कोई ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे उस ऑडिट रिपोर्ट के तो मैंने एक स्क्रीन शॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा आप देखिए हेडिंग लिखी हुई है वित्तीय विवरणियों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व हर चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये एक हेडिंग आती है जिसका नाम होता है हिसाब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर जब भी हम ऑडिट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करते हैं हम ये मान के चलते हैं जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अकाउंटिंग करना अकाउंटिंग के साथ पूरे के पूरे बुक्स को प्रॉपर मेंटेन करना सारे वाउचर्स को मेंटेन करना बैंक का रिकंसिलेशन बुक्स के साथ करना कैश बुक का रिकंसिलेशन वाउचर्स के साथ करना इसके बाद
वैशाली जैन ज्वाइन हो गया, वैशाली जैन अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट ड्यू ड्यू इनकम ड्यू एक्सपेंसेस ड्यू इनकम
राइट साइड होना चाहिए, राइट इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। आपको मेंटेन क्या क्या करना है, आपको चेक क्या क्या करना है, वो लिस्ट हम देख लेते हैं। जब हम पेपर पे लिख के देंगे कि हमें ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ हमें बतानी है, चेक करना है। सबसे पहला काम आपका ये चेक करना है मिनट्स को सॉल्व रिकॉर्डिंग का प्रोसीडिंग्स होता है जनरल बॉडी मिनट्स को सारे के सारे रेजोल्यूशन इसके अंदर होंगे। सपोज कुछ ऐसी फीस थी जो पिछले 20 साल से नहीं थी जिसके बारे में पता था हमें ये पैसा नहीं था, कुछ ऐसे खर्चे थे जो टेबल में दिख रहे थे जब बाद में डिसाइड हो कि साहब इनको तो देना ही नहीं है क्योंकि हमें जब पैसा देना है वो आज के रेट में रिप्लेसेबल ही नहीं। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो उसको हमें फाइनेंशियल रूप से हटाना पड़ेगा, और अगर फाइनेंशियल रूप से हटाना है तो हमें इसका रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन हमें मिलेगा मिनट्स में। अगर पुराने ऑडिटर के कुछ कमेंट्स थे तो उस कमेंट्स के ऊपर किसी तरह की क्या टिप्पणी या क्या इसके बेसिस पर डिसीजन, तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलेगी। सॉफ्टवेयर यूज होता है तो ऑटोमेटिकली लेजर मेंटेन हो जाते हैं, और टैली या कुछ और सॉफ्टवेयर दोनों यूज करते हैं।
सेगमेंट कर लीजिए, और जो बैंकिंग सेगमेंट है वहां पर तो उनका देख लिया सेल्फ जो उनके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को यूज करें तो यहां पे भी ले जा सकते हैं ऑटोमेटिक जनरेशन का। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर कोई सोसाइटी लोन इशू कर रही है तो लोन इशू करने के केस में आपके पास क्या होना चाहिए? लोन लेजर शोइंग द नंबर एंड द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ ईच लोन इशू, लोन लेजर होना चाहिए। उस लोन लेजर के अंदर जिस भी पर्सन को आपने जिस मेंबर को लोन इशू करा हुआ है उसका नंबर और डेट ऑफ डिसबर्समेंट होना चाहिए, और किस पर्पज के लिए लोन ग्रांट करा गया, उसके डेट रिपेमेंट की कंडीशंस क्या थी, वो सारे की सारी चीज आपको essential letter type का आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर terms, conditions, interest भी वो सारी की सारी चीजें mention। Next, उसमें be important liability list का showing the indebtedness of each member ये वही कि वही owner list का एक indebtedness होना चाहिए, तो वो सारी चीजें हैं हमारे पास। एक unlimited society का भी अलग रखा जाता है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी society हैं वो सारी limited liability society की होगी। इसके बाद ये है इन केस ऑफ सोसाइटी द वर्किंग कैपिटल ऑफ इट एक्सीड्स 20,000 रुपीस द जनरल लेजर शोइंग रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट एंड आउटस्टैंडिंग अंडर वेरियस हेड्स फ्रॉम लेकिन 20 लाख से ऊपर ऑलमोस्ट सभी की वर्किंग कैपिटल होती है, तो आपको एक जनरल लेजर रखना है जिसके अंदर जनरल लेजर आपको ऑटोमेटिकली का सेटअप कर आप सिस्टम बेस कर रहे हैं सिस्टम के अंदर मेंटेन कर रहा है, नहीं तो Okay.
देखिए कैश ऑन डिलीवरी तरीके से पे पे 300 पे अकाउंट डिलीवरी तरीके से पे पे या तो पे होगा आपका सॉफ्टवेयर पे या फिर पे होगा कैश सॉफ्टवेयर पे बात है कि जैसे ही आप ये जब मैक्स होंगे तो आपकी खुद के तो मैं बदला के बदला नहीं चली गई पर हां जहां पर हमारे पास अभी भी कैश ऑन डिलीवरी है मैं डेली मेंटेन वहां पे हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और दिक्कतें क्या क्या है मैं आपको साथ शेयर करता हूं बेसिकली प्रैक्टिकल अगर कैश में मैन्युअली पेमेंट करना है तो कैश ऑन डिलीवरी शॉर्ट टर्म स्मार्ट वर्क के लिए ये आज की डेट में 60% सोसाइटीज की समस्या है जो कैश ऑन डिलीवरी बनाते हैं लीडर बनाते हैं मैन्युअली बनाते हैं तो मालूम पड़ा कि जो ट्रायल बैलेंस है ट्रायल बैलेंस के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ट्रायल बैलेंस का फाइनल एक्सेल एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनने से पहले एक कच्चा चैप्टर तैयार होता है सारे अकाउंट्स का जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस का फिगर सारी है वो फिगर आपकी मेन और लेजर और कैश बुक के साथ मैच ही नहीं होते और मैं आपको बताऊं कि जैसे सारी जगह तो ट्रायल बैलेंस बनता है लास्ट में फाइनल अकाउंट्स बन जाता है बैलेंस शीट बन जाती है डिफरेंस हो जाते हैं डिफरेंस को करके कैश में या फिर उसके एडजस्ट कर पूरा के सब बनाता है मैंने की बात तो देखने बात की कई बार ऑडिट चीजें जो होती है वो पांच बार समझ में आती है कि साहब ये जो मेरा फाइनल अकाउंट बनाऊंगा ये हमारे कैश बुक पर लेकर से ही टैली नहीं ये सारी चीजें देखिए आपने कैश ने आपका ट्रायल बैलेंस बना दिया फाइनल अकाउंट पर आपने अल्टीमेटली एक घंटा टेक लगा प्योर मैनेजमेंट पर ये कैश बुक का बैलेंस ये बैलेंस है मेरा ट्रायल बैलेंस लेजर में इतने सारे अकाउंट दिए हुए इसका बैलेंस यहाँ से टैली हुआ ये ट्रायल बैलेंस अल्टीमेटली ना टोटल कैश में टैली हुआ नेक्स्ट कई बार आप देखेंगे कि जो कैश बुक होता है उस कैश बुक के अंदर ओवर राइटिंग ये कार्ड का डिलीवरी है वाइटनर लगा हुआ है तो अगर हम जो ओवर राइट करें देखिए आप अल्टीमेटली हम ये बोले कि सब पोर्टफोलियो ओवर राइट होना चाहिए बिल्कुल भी कट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी वाइटनर नहीं होना चाहिए तो नंबर इस पर मैं कितने कितने एरर्स होते हैं अगर ओवर राइट हुआ है अगर कट हुआ है एंड वाइटनर का मिस हुआ है तो जो प्रॉपर जो कैशियर है जो लिखता है या जो एक्यूरेट जो कैश बुक लिखता है वो उसके ऊपर उसको इनिशियल करें ऊपर इनिशियल करने के बाद सर्टिफाई करें कि साहब मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ कि ये अफेक्ट है ये तो वाइट ना लगा हुआ है मेरे द्वारा लगाया गया जैसे ठीक है उसका इनिशियल मुझे सौंपिए ताकि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन कर सकें इफ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड मैन्युअली देन मेक श्योर दैट द बैलेंस ऑफ कैश बुक शुड नॉट बी इरेजेबल आप देखेंगे कि जब मैनुअल कैश बुक में बहुत सारे लोग बैठे होगा तो मेरे पास से शायद से जब कैश बुक होती है तो आप देखते हैं कि नॉर्मल जब कंट्रोल होता है तो पेंसिल से कर दिया जाता है अच्छी बात है आप पेंसिल से कंट्रोल कर दीजिए पर अगर वो कैश बुक फाइनलाइज हो गई है तो आपको उसको पेन से करना ही पड़ेगा एंड प्रैक्टिकली शायद रेड पेन से ही करना पड़ेगा तो आप उसको इरेजेबल फॉर्म में नहीं रख सकते बिकॉज अगर इरेजेबल फॉर्म में रहेगा तो एनी वन कैन बी अप्लाइड द कैश बुक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इवन आफ्टर ऑडिट ट्रांसमिट कैन बी Thank you.
सॉफ्टवेयर की जो चीजें हैं बहुत सारी चीजें सिस्टम्स मेंटेन करता है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा भी बेसिक लैकुना मिलेंगे या फिर एक बेसिक प्रॉब्लम मिलेंगे वो ये है कि सब सिक्योरिटी चेक कर एंट्री राइट्स ओके अगर हम एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में एंटर करने का अगर हम सारे के सारे राइट जो है वो इग्नोर करके रखे तो क्या होगा पर अगर हम सारे के सारे राइट सब इग्नोर करके रखे हुए हैं तो हम रिकमेंड करके रखे हुए हैं तो यहाँ पर उसके पास सारे राइट्स रहेंगे कि वो किसी भी टाइम पे अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। अकाउंट्स में मल्टीपल एक सिक्योरिटी सिस्टम में टेक होना चाहिए। मल्टीपल सिक्योरिटी सिस्टम में क्या होना चाहिए एक जैसे सपोज अगर स्टाफ की कमी